अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास पेज नंबर 62। आज हमने पढ़ना है गैसेस के बारे में। द पार्टिकल्स इन गैसेस आर नॉट पैक्ड क्लोजली टुगेदर। गैसेस के अंदर जो ज़र्रात होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए इकट्ठे करीब करीब एक दूसरे के साथ लिपटे हुए नहीं होते। गैसेस के अंदर जो ज़र्रात होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ करीब करीब लिपटे हुए नहीं होते। द फोर्सेस होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर वेरी वीक, क्योंकि इनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं जिन्होंने पार्टिकल्स को ज़र्रात को पकड़े रखा होता है इकट्ठे, वो बहुत कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये है द पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम, कि ये जो ज़र्रात है ये तकरीबन हर वक्त ही हरकत करते रहते हैं। दे बाउंस ऑफ ईच अदर एंड शूट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और किसी भी डायरेक्शन को किसी भी तरफ निकल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से निकल सकते हैं, शूट ऑफ कर सकते हैं। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच लार्जर, और इन पार्टिकल्स के दरमियान में जो खाली जगह होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ इट्स कंटेनर, गैस जो है वो अपने कंटेनर की पूरी जगह पे कब्ज़ा कर लेती है, मतलब अपने कंटेनर की पूरी जगह घेर लेती है, पूरी जगह ले लेती है अपने कंटेनर की जिस कंटेनर में उसे रखा हुआ होता है। जैसे ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में जो गैस डाली हुई है इसने पूरे के पूरे सिलेंडर में जगह ली हुई है, ये पूरे सिलेंडर में किसी भी तरफ मूव कर सकती है। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, गैसेस की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, कोई फिक्स इनकी शेप नहीं होती। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी तरफ मतलब जिस भी कंटेनर में इन्हें रखा जाता है ये उसमें मतलब जितनी जगह चाहें वो ले लें, इनको कोई एक स्पेसिफिक कोई वो नहीं है कि इन्होंने इतनी ही जगह लेनी है, ये उस कंटेनर की सारी जगह ले लेती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और इनका जो इनकी शेप जो है वो भी फिक्स नहीं है। देख लें वर्ड्स मीनिंग, पैक का मतलब होता है लिपटे हुए, क्लोजली करीब करीब, टुगेदर इकट्ठे, होल्डिंग पकड़ना, टुगेदर इकट्ठे वीक कमज़ोर, मूविंग हरकत करना, बाउंस ऑफ टकराना, शूट ऑफ फूट बन के निकलना या बाहर निकलना। द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच लार्ज, स्पेसिस खाली जगह। शूट ऑफ का बेसिकली मतलब ये भी होता है फूटना, जैसे गैस जो है किसी जगह से लीक कर रही हो तो वो फूट के कैसे प्रेशर के साथ बाहर निकल आती है, निकल आना या फूटना, ये मतलब है इसका। उसके बाद अकुपाइज का मतलब है घेरना या कब्जा करना, स्पेस जगह कंटेनर कोई भी बर्तन। यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है, उसके बाद साथ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, डू द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड स्टे इन वन प्लेस, क्या लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, पार्टिकल्स इन अ लिक्विड डू नॉट स्टे इन वन प्लेस। लिक्विड्स के जो ज़र्रात होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, माया के जो ज़र्रात होते हैं वो डू नॉट स्टे इन वन प्लेस, एक जगह पे रुके हुए नहीं रहते। दे कैन फ्लो, वो किसी भी तरफ को बह सकते हैं। क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है डू द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड स्टे इन वन प्लेस, क्या माया के जो ज़र्रात हैं वो एक ही जगह पे रुके रहते हैं। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड डू नॉट स्टे इन वन प्लेस, माया के ज़र्रात एक जगह पे रुके नहीं रहते। दे कैन फ्लो, वो किसी भी तरफ बह सकते हैं। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये अपनी नोटबुक्स पर राइट कर लीजिए। अब डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 62 हाफ रीडिंग, ये पेज नंबर 62 यहाँ तक रीडिंग प्लस रीडिंग, पेज नंबर 62 हाफ रीडिंग प्लस क्वेश्चन नंबर 3 लर्न प्लस राइट।